हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम EL 302 एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन 8086 एंड 8088 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। साथ ही इसमें हम सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स के बारे में भी जानेंगे। सपोज हमने ये कमांड लिया है मूव ब्रैकेट में BX, DL। अब हमें ये मालूम है कि ये कमांड क्या करेगा, DL रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे BX के दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं। अब मेमोरी लोकेशन का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो BX रजिस्टर के अंदर स्टोर है, और 20-bit एड्रेस जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो सेगमेंट का बेस रजिस्टर काम में लेंगे वो है डाटा सेगमेंट। तो 20-bit एड्रेस कैलकुलेट किस प्रकार से होगा, डाटा सेगमेंट का जो बेस रजिस्टर एड्रेस है उसके अंदर हम BX रजिस्टर की वैल्यू ऐड करने पर हमें 20-bit एड्रेस ज्ञात हो जाएगा। तो 20-bit एड्रेस ज्ञात करने के लिए यहाँ पर डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस काम में आ रहा है, लेकिन सपोज हमें डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस काम में नहीं लेके कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस काम में लेना है, तो ऐसे केस के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस काम में लिया जाता है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे सेगमेंट का बेस एड्रेस काम में लेना चाहते हैं तो हमें सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स काम में लेना है। जैसे इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि हमें कोड सेगमेंट के बेस एड्रेस का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, BX रजिस्टर से पहले ये सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स CS: लगा दिया है। अगर CS: लगा दिया, इसका मतलब ये है कि अब ये कोड सेगमेंट के बेस एड्रेस के साथ BX रजिस्टर की वैल्यू ऐड करके इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करेगा। अगर CS की जगह ES रजिस्टर लिख देते हैं तो इस केस में वो एक्स्ट्रा सेगमेंट के बेस एड्रेस को BS रजिस्टर के साथ ऐड करके इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डाटा सेगमेंट के बेस एड्रेस को लेता है, और अगर हम किसी दूसरे सेगमेंट के बेस एड्रेस का यूज करना चाहते हैं तो हमें कमांड के अंदर उस सेगमेंट को स्पेसिफाई करना है। जैसे यहाँ पे हम कोड सेगमेंट काम में लेना चाहते हैं तो हमने CS लिखा है, एक्स्ट्रा सेगमेंट काम में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ES लिखना होगा। तो मूव ब्रैकेट में BX, DL, ये कमांड DL रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू BX है में कॉपी कर देगा। यहाँ मेमोरी लोकेशन का 20-bit फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए डाटा सेगमेंट के बेस एड्रेस को इफेक्टिव एड्रेस के साथ ऐड किया जाता है। अगर डाटा सेगमेंट के बेस एड्रेस के बजाय कोड सेगमेंट के बेस एड्रेस को इफेक्टिव एड्रेस के साथ ऐड करना हो तो कमांड में सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे मूव CS: BX, DL। अतः इस कमांड में 20-bit फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए डाटा सेगमेंट के बेस एड्रेस के बजाय कोड सेगमेंट के बेस एड्रेस का यूज किया जाएगा। तो सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स के द्वारा हम अपने डाटा के जो डिफॉल्ट सेगमेंट है डाटा सेगमेंट, उसकी जगह कोई दूसरे सेगमेंट को भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 8086 एंड 8088 माइक्रो प्रोसेसर। अब 8086 भी एक 16-bit माइक्रो प्रोसेसर है और 8088 भी एक 16-bit प्रोसेसर है। दोनों ही प्रोसेसर 16-bit डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि 8086 की जो डाटा बस का साइज है
वो 16 बिट का होता है और 8088 की जो डाटा बस है उसका साइज 8 बिट होता है। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक मशीन साइकिल के अंदर 16 बिट तक रीड या राइट कर सकता है, लेकिन 8088 माइक्रोप्रोसेसर हर समय मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक समय में सिर्फ 8 बिट डाटा को ही रीड या राइट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8086 की स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होगी और 8088 की प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो होगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि 8086 के अंदर जो क्यू का साइज है वो 6 बाइट का है और 8088 के अंदर जो क्यू का साइज है वो है 4 बाइट्स। तीसरा डिफरेंस ये है कि 8086 के अंदर हमने मेमोरी को दो बैंक में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं ऑड मेमोरी बैंक, दूसरे को हम कहते हैं इवन मेमोरी बैंक। और जब हम दोनों बैंक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं उस केस में ही हम 16 बिट डाटा को एक मशीन साइकिल में रीड या राइट कर सकते हैं। लेकिन 8088 के अंदर मेमोरी को बैंक्स में नहीं डिवाइड किया गया है और हर मेमोरी लोकेशन के अंदर 8 बिट या 1 बाइट डाटा स्टोर है, इसलिए हर मेमोरी रीड या राइट साइकिल के अंदर हम सिर्फ 8 बिट डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। 8086 की जो एड्रेस बस का साइज है वो है 20 बिट्स, वैसे ही 8088 माइक्रोप्रोसेसर की एड्रेस बस का साइज भी 20 बिट्स है। बाकी जितने कंट्रोल पिन्स हैं यानी कि आईसी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो 8086 और 8088 का सेम है, सेम कंट्रोल सिग्नल्स दोनों प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल हैं, दोनों के साथ हम 1 मेगाबाइट मेमोरी को यूज कर सकते हैं, दोनों के अंदर 1 मेगाबाइट मेमोरी को 64 KB के सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, दोनों प्रोसेसर के जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट्स के हैं, यानी कि बाकी सारी चीजें दोनों प्रोसेसर में लगभग सेम हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि 8086 के अंदर डाटा बस का साइज 16 बिट है, 8088 के अंदर डाटा बस का साइज 8 बिट का है। 8086 के अंदर क्यू का साइज 6 बाइट है, 8088 के अंदर क्यू का साइज 4 बाइट है। 8086 के अंदर मेमोरी को दो बैंक्स में डिवाइड किया गया है और 8088 के अंदर मेमोरी को बैंक्स में डिवाइड नहीं किया गया है। तो होप स्टूडेंट्स आपको 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और पूरे पिछले पांच वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको EL 302 का चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।